जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। तो साथियों देखिए, सीआईटीएस के फाइनल एग्जामिनेशंस या फिर सीटीआई के फाइनल एनसीबीटी एग्जामिनेशंस के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन ट्रेड के लिए देख लीजिए, यहाँ पे जो है हम जो सीरीज जो चला रहे थे उस सीरीज को हमने फिर से यहाँ पे स्टार्ट किया है। हालांकि हमने आपको जो है पहले यहाँ पे देखिएगा तो जो प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं उसमें एक पार्ट ऑलरेडी आपको दे दिया था, देख लीजिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी क्वेश्चन एंड आंसर, और यहाँ पे 50/50 सीरीज था, ये टारगेट जो था आप लोगों का 50/50 सीरीज जो था, इसको हम कंटिन्यू फिर से कर रहे हैं। और चूँकि आप लोगों का एग्जामिनेशन भी आ चुका है और यहाँ पे देखिए पार्ट वन हमने दिया था, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। पार्ट वन के आगे जो है हम पार्ट टू में अभी आप लोगों को वायरिंग प्रैक्टिसेस अर्थिंग वाला पार्ट से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले जो है आपको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा जो है बैटरीज, फिर जो आपका टूल्स है वो वाला सेक्शन हमने पार्ट वन में क्लियर कराया हुआ है। कोशिश करेंगे कि 10 पार्ट के भीतर आप लोग को हम इस कंप्लीट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उसके पहले देखिएगा तो CITS का सॉफ्ट स्किल एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन का भी हमने यहाँ पे जो है बाहर स्किल का जो है वीडियो बना रखा है, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, यहाँ पे से ही क्वेश्चंस आएगा। उस पर देखिए सबसे इम्पोर्टेंट POT, ठीक है, ट्रेनिंग मेथोलॉजी थ्योरी का जो कि 100 मार्क्स का होता है, वो 3 पार्ट यहाँ हमने बनाया है मात्र 3 घंटों में। यहाँ पे 3 पार्ट जरूर देख लीजिएगा, इसी से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और सभी का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी प्लेलिस्ट का। उस पर ITI प्रैक्टिकल्स रिलेटेड या CITS प्रैक्टिकल्स रिलेटेड जो है पूरा प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है, सभी प्रैक्टिकल यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से मिल जाएंगे आपको। और जो है CITS NSTI में जो माइक्रो टीचिंग कैसे करते हैं उसका वीडियो देख पाइएगा, और CITS एडमिशन रिलेटेड सभी वीडियोज यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। लगभग देखिए यहाँ 254 वीडियोज अवेलेबल हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे सब आज जो है कौन सा वायरिंग प्रैक्टिसेस डैश अर्थिंग का हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा है कौन सा भाई, क्लास नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा क्लास नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 देख लीजिएगा जो कि क्लास नंबर 1 था। चलिए लेवल 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है हाउ द कंड्यूट पाइप्स आर स्पेसिफाइड, कह रहा है कि जो कंड्यूट्स पाइप होते हैं, कंड्यूट पाइप उसको कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, कंड्यूट पाइप कौन सा होता है। देखिए ये आप लोग देखे होंगे घर में जब आप लोग का वायरिंग वगैरह का काम होता है तो जो है दीवार को काट करके ये पाइप को अंदर सेट किया जाता है। देखिए ये पाइप्स को जो है अंदर सेट किया जाता है, इसी के अंदर से तार वगैरह डाला जाता है ना, तो इसी को कंड्यूट पाइप कहते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, उनका नाम मतलब उनको कैसे स्पेसिफाई हम लोग करेंगे। अगर हमारी दुकान में मांगना है तो किस तरह से बोलिएगा, तो आउटर डायमीटर इन MM, इसका जो डायमीटर से हम लोग देखते हैं MM में देखते हैं, ठीक है, जो पाइप का जो डायमीटर हम लोग चेक करेंगे या बाहर से नापेंगे, ना कि अंदर से, इनर डायमीटर नहीं, आउटर डायमीटर इन MM हम लोग लेते हैं। चलिए कह रहा है कि व्हाट इज़ द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर रीवायरेबल फ्यूज, अब जो फ्यूज होता है रीवायरेबल फ्यूज जो होता है, देखिए रीवायरेबल फ्यूज के बारे में आप लोग अगर नहीं जानो देख ले, इस तरह का इसको कहते हैं हम लोग रीवायरेबल फ्यूज, जो एक बार फ्यूज कट जाने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग फ्यूज यहाँ पे तार से जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसका फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, तो देखिए इसका फ्यूजिंग फैक्टर होता है 1.4 होता है, कितना होता है 1.4। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया है जो इलेक्ट्रिकल एसेसरी है इसका नाम बताना है आपको कौन सा है, ब्रैकेट होल्डर है, एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर, एंगल शिवल लैंप होल्डर या फिर गोलेथ एडिशन, क्या होगा भाई, तो ये हो जाएगा देखिए एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर, ऑप्शन नंबर बी एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर इसको हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभी जो कंड्यूट एसेसरी है इसका नाम बोला जा रहा है, कौन सा एसेसरी है इसका नाम बताना है आपको, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इंस्पेक्शन बैंड कहते हैं, क्या कहते हैं इंस्पेक्शन बैंड कहते हैं, क्यों, यहाँ पे देखिए 2 नट दिया हुआ है, ठीक है, तो जब भी कोई इसमें फॉल्ट होगा तो इस स्क्रू को खोलेंगे और ये कैप जो है ऊपर से लगा हुआ इसको हटा लेंगे, ठीक है, और यहाँ देखेंगे कुछ फॉल्ट है क्या कहते हैं इसको हम लोग इंस्पेक्शन बैंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाउ मैनी टू वे स्विच आर विथ इंटरमीडिएट स्विच आर यूज टू कंट्रोल लैम्प फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लेसेस, कह रहा है कि 3 अलग अलग जगहों से कितना, अगर आपको 3 अलग अलग जगहों से बल्ब को कंट्रोल करना है, लैंप को कंट्रोल करना है, एक ही लैंप दिया गया है और 3 जगह से उसको ऑपरेट करना है, तो कह रहा है कि कितना 2-way स्विच का जरूरत पड़ेगा, इंटरमीडिएट स्विच भी आपको दिया गया है, समझ लीजिएगा इस बात को, पहले आप ध्यान से समझ लीजिए कि लैंप है हमारा एक, ठीक है, लैंप कितना है भाई 1 है,
और तीन जगह से कंट्रोल करना है, एक दो तीन जगह से कंट्रोल करना है। एक इंटरमीडिएट स्विच आपको दे दिया गया है, ठीक है, और बोल रहा है कि टू वे स्विच आपको कितना चाहिए इस चीज़ को बनाने के लिए, इस सर्किट डायग्राम, इस डायग्राम बनाने के लिए, या फिर कहें कि जो इस कनेक्शन को करने के लिए कितने टू वे स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें दो टू वे स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। कितना? तो दो, दो टू वे स्विच लगेगा हमको, और यहाँ पे हमें एक इंटरमीडिएट स्विच भी दिया गया है। चलिए तो क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम, इस डायग्राम का नाम बताना है आपको, ये क्या है। देखिए टू वे का सिंबल है, ये भी क्या है, टू वे है ना। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसको इस डायग्राम को क्या कहते हैं, इस तरह के डायग्राम को क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं सर्किट डायग्राम। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, सर्किट डायग्राम। आगे क्वेश्चन आएगा कि किसको वायरिंग डायग्राम कहा जाता है, बट इसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्किट्स, सर्किट डायग्राम। अब देखिए HRC फ्यूज, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेस जो होते हैं उसका फ्यूजिंग फैक्टर पूछा जा रहा है। तो HRC फ्यूज भी दिखा देते हैं आप लोगों को, कैसा होता है HRC फ्यूज। देखिए कुछ इस तरह का HRC फ्यूज होता है, इसको हम लोग HRC फ्यूज कहते हैं। इसका फ्यूजिंग फैक्टर बताना है तो वही कितना है, 1.1 होगा इसका फ्यूजिंग फैक्टर, 1.1। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ एसेसरी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ये आपने देखा होगा कि पहले पुराने जमाने का जो आपका आयरन हुआ करता था, ठीक है, उसमें कुछ इस तरह का जो है सप्लाई देने के लिए ये एक एसेसरी यहाँ पे लगाया जाता था, पीछे में खोसना पड़ता था, इस तरह से डालना पड़ता था, उसको क्या कहते हैं हम लोग। देखिए इसको हम लोग कहते हैं आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री, आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री। अब देखिए यहाँ पे जो ये सिंबल दिया क्वेश्चन नंबर 9 में, बोल रहा है कि एसेसरी सिंबल, इसके बारे में बोला जा रहा है कि कौन सा ये सिंबल है, 9 नंबर, ये क्या है भाई, ये है मल्टी पोजिशन सिंगल पोल, मल्टी पोजिशन स्विच है और सिंगल पोल है, एक पोल है यहाँ पे और पोजिशन कितना है, दो है यहाँ पे, देख रहे हैं ना, मल्टी, इसलिए होगा मल्टी पोजिशन सिंगल पोल। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द 4 इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप। कहा गया है कि आपको नाम बताना है 4 इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप का, तो जो जहाँ 4 आ जाएगा, 4 आ गया मतलब 4, तो क्या कहते हैं, क्वाड, क्वाड कहते हैं ना, पेयर मतलब जोड़ा दो का, कोर मतलब कितना होगा, कोर तो हम लोग दो का यूज करते हैं ऐसे ही, और यहाँ पे जो है क्वाड मतलब 4। चलिए क्वेश्चन अगला है यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टू वे स्विचेज आर रिक्वायर्ड इन गोडाउन वायरिंग टू कंट्रोल 4 लैंप्स। गोडाउन वायरिंग में 4 लैंप दिया गया है आपको, इसको कंट्रोल करने के लिए कितने टू वे स्विचेज का आवश्यकता पड़ेगा। तो गोडाउन डायग्राम जो होता है, गोडाउन वायरिंग का डायग्राम, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 को बल्ब लगाया गया, 1, 2, 3, 4, इसमें कितना टू वे स्विच का आवश्यकता पड़ा है। देखिए टू वे स्विच 1, 2 और 1, 3 और 1 वन वे का पड़ता है जब, ठीक है, तो 4 में 3 टू वे स्विच का, 5 में 4 टू वे स्विच का, ऐसे आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो क्या होगा भाई, 11 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, हाँ या ना, 3 होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसका सिंबल बताना है 12 नंबर में, जो सिंबल है इसका क्या है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हम कहते हैं सीलिंग फैन, ये जो है क्या है, सीलिंग फैन का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेम ऑफ डायग्राम, अब इस डायग्राम के बारे में बताना है 13 नंबर में, आप लोग भी आंसर कीजिए, ठीक है, आप लोग भी इसमें अपना चेक कर लीजिए कितना आप लोग की तैयारी हो गई है। तो देखते हैं आगे हम लोग, तो इस वाले फिगर में आपको बताना है कि ये डायग्राम का नाम क्या होगा, इसको हम लोग कौन सा डायग्राम कहेंगे, लेआउट प्लान कहेंगे, वायरिंग डायग्राम कहेंगे, इंस्टॉलेशन प्लान कहेंगे, या स्कीमेटिक डायग्राम कहेंगे। तो देखिए ये क्या जाएगा हमारा, ये हो जाएगा इंस्टॉलेशन प्लान कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्टॉलेशन प्लान कहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि विच टर्म रेफर द टाइम टेकन बाय अ फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन फॉल्ट। कह रहा है कि जो फ्यूज समय लेता है किसी भी सर्किट को ट्रिप करने के लिए, उस टाइम को क्या कहा जाता है? तो भाई क्या कहते हैं इसको? कट ऑफ फैक्टर। क्या कहते हैं? कट ऑफ फैक्टर कहा जाता है इसको, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटनिंग सर्किट। अब इस सर्किट के बारे में आपको बताना है कि कौन सा ये किसका डायग्राम बनाया गया। तो देखिए ये जो है दरअसल आपका किसका है? गोडाउन लाइटनिंग वायरिंग का है, क्योंकि तो यहाँ पे आपको हमने बताया भी था कि जितना लैंप होगा उससे एक कम टू वे स्विच होगा। तो यहाँ पे चार लैंप है और टू वे स्विच देखिए, एक दो तीन, तो चार इधर तीन और एक वन वे स्विच, ठीक है। तो यहाँ पे टू वे का संख्या हो जाएगा तीन और वन वे का संख्या हो जाएगा एक। तो चार लैंप है, चार स्विच भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे टू वे जो है तीन और एक वन वे, तो चार हो गए, ठीक है। अगर सिर्फ स्विचेस पूछता तो फिर चार बोल देते आप। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 देखेंगे, एक्सपेंशन ऑफ MCB, MCB का फुल फॉर्म बोला जा रहा है, तो ये सभी आप लोग को पता होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अच्छा आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप लोग मन में ही आंसर लगा लीजिए कि हाँ इसका ये आंसर आना चाहिए, इससे वेरीफाई भी हो जाएगा, चेक भी कर लीजिएगा और कितना तैयारी हुआ वो भी पता चल जाएगा। अब यहाँ एक्स इंडिकेशन, जो ये एक्स जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है, ये वाला भाग, इसके बारे में बोल रहा है कि ये क्या है, ठीक है, एक्स वाले पार्ट का सिम्बॉल जो एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है। तो ये देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ वायर रन ऑन द लिंब, ठीक है। इसमें ये जो इससे कितना वायर दौड़ेगा वो बताता है। यहाँ पे तीन का मतलब क्या हो गया? थ्री, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ वायर्स रन ऑन द लिंब, तो इसमें तीन वायर एक तरह से दौड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास इसी के साथ, ये क्वेश्चन नंबर है 18, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ अल्मोनियम अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज्ड इन सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग एज पर BIS, ठीक है। तो इसमें आपको इसका आंसर बताना है कि जो मिनिमम साइज होता है अल्मोनियम अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का सिंगल फेज डोमेस्टिक वायरिंग के लिए वो कितना होता है, ठीक है। अर्थिंग जब हम लोग करते हैं उस केस में अल्मोनियम का बोला गया है, कॉपर नहीं है, अल्मोनियम है, जगह 2.5 mm square का हम लोग अल्मोनियम जो है कंटिन्यूटी वायर यूज करते हैं जब हम लोग को डोमेस्टिक वायरिंग करना पड़ता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वायरिंग मेथड, ये कौन सा वायरिंग मेथड के अंतर्गत आता है यहाँ पे आपसे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए ज्वाइंट बॉक्स मेथड, लूप बैक मेथड है, या फिर इसी तरह से देख लीजिए। तो क्या है भाई ये 19 नंबर, ये हो गया लूपिंग बैक मेथड। ये क्या होता है? इस डायग्राम को हम लोग कहते हैं लूपिंग बैक मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर देखिए, एक्सपेंशन ऑफ ECC। ECC इंपॉर्टेंट है भाई, इसका आप लोग को एक्सपेंशन बताना है। तो ये क्या है? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। क्या होगा? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, ऑप्शन नंबर बी होगा जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। AWG का फुल फॉर्म बताना है 21 नंबर में, AWG का, तो AWG क्या हो जाएगा? अमेरिकन वायर गेज, अमेरिकन वायर गेज। जैसे कि SWG क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज, उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा अमेरिकन वायर गेज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पे BIS सिंबल बोल रहा है, पूछा गया है आपसे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो इसका फुल फॉर्म होता है BIS। अब इसके बारे में बताना है कि कौन सा सिंबल है, किस चीज़ का सिंबल है। तो भाई ये क्या है? इंटरमीडिएट स्विच है, ध्यान रहे क्या है ये? इंटरमीडिएट ये स्विच कहलाता है, ठीक है, इस तरह से। अब बीच में एक सर्कल क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट स्विच। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप ऑफ AC सिंगल फेज वायरिंग सर्किट। फॉर्मूला बताना है जिससे कि वोल्टेज ड्रॉप AC सिंगल फेज वायरिंग सर्किट में हम लोग निकाल सकें। तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला पूछा गया है, तो भाई 23 का जो राइट आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वैसे भी V इक्वल टू क्या होता है? V बराबर IR होता है ओम्स लॉ के हिसाब से, तो वही सूत्र यहाँ भी लग जाएगा,
सिंगल फेज वाले में, सिंगल फेज एसी वायरिंग सर्किट्स में वोल्टेज ड्रॉप अगर निकालना है तो वी इक्वल टू आई आर के तहत हम लोग निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि 24 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल लोड फॉर अ पावर सब सर्किट एज पर आईई रूल। इंडियन जो आपका इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है इसके तहत बोला गया है कि जो परमिसेबल लोड है, जितना अलाउड लोड है पावर सब सर्किट के लिए, वो कितना होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए परमिसेबल, ठीक है, लोड फॉर सब सर्किट, ठीक है, सर्किट नहीं है सब सर्किट, कितना होना चाहिए, तो 3000 वाट तक, 3000 वाट तक। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द परमिसेबल लीकेज करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में घरेलू जो आपका वायरिंग इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है, उसमें परमिसेबल लीकेज करंट कितना अलाउ है, मतलब कितना लीकेज करंट अलाउड है, मतलब उतना रखा गया, रखा गया मतलब कि ऐसे तो लीकेज करंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, बट उतना तक अगर थोड़ा मोड़ा है तो फिर चल सकता है, इतना मतलब परमिसेबल है। तो इसका देखिए क्या आंसर आएगा, 1/5000 किसका, फुल लोड करंट का, फुल लोड करंट मतलब कि अगर 5 एम्पियर करंट है, ठीक है, तो 5 एम्पियर अगर करंट बह रहा है आपके वायर से, तो इसका 1/5000 हिस्सा, समझ लीजिए कितना कम वैल्यू होगा, है ना, मतलब 0.001 एम्पियर, बहुत ही छोटा वैल्यू है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन कहता है कि विच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क्स। मेगर अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगर भी कहते हैं। किस प्रिंसिपल के तहत ये वर्कआउट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड। फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड के तहत जो है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क करता है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेवल टू पे आ जाते हैं हम लोग, अब लेवल टू पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अंडर राइटर्स नॉट फॉर पेडेंट होल्डर कनेक्शन। जो पेडेंट होल्डर कनेक्शन होता है, पेडेंट होल्डर एक प्रकार का होल्डर होता है जिसमें कि बल्ब वगैरह लटकाते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें जो कहा गया कि अंडर राइटर नॉट, उसमें जो दिया रहता है उसका यूज क्या है, अंडर राइटर नॉट जो है साइड में जो होता है उसका यूज क्या होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिड्यूस द स्ट्रेन फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ एसेसरीज। कह रहा है कि क्या आंसर हो जाएगा, रिड्यूस द स्ट्रेन फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ द एसेसरीज। तो जो भी आप इसके अंदर फिटिंग करते हैं, तो यहाँ पे साइड में रहता है ना लॉक करने के लिए एक तरह से, जैसे बल्ब आप यहाँ इसके अंदर फिट कीजिएगा, तो यहाँ पे साइड में दिया रहता है, तो ये दिया रहता है क्यों, ताकि जो टर्मिनल जो है इसका एसेसरीज का, उससे स्ट्रेस को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, स्ट्रेस को, टेंशन को कम किया जा सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये तो अभी भी आप लोग को हम दिखाया थे, आईसी फ्यूज का नाम पूछा जा रहा है कि भाई ये कौन सा फ्यूज है। अभी आपको हमने बताया था एचआरसी फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, एचआरसी फ्यूज ही इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, और ये एक बार यूज होने के बाद इसको फेंकना पड़ जाता है, नया लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन रिवायरेबल जो फ्यूज था, जो इसको जो अभी आपको दिखाए थे, उसमें सिंपल सा एक जो है पतला वायर हम लोग कनेक्शन कर देते हैं, हालांकि फ्यूजिंग वायर भी आता है, उसको कनेक्शन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय द एल सीरीज एमसीबी, ठीक है। कह रहा है कि विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय एल सीरीज एमसीबी। तो एल सीरीज का जो एमसीबी होता है, उससे इस सीरीज के एमसीबी से किस तरह के लोड को प्रोटेक्शन करता है, किस तरह का लोड को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वह इसका आंसर हो जाएगा गीजर, ठीक है, पानी गर्म करने वाला जो गीजर होता है उसको हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब गीजर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल टाइप सीरीज एमसीबी। क्वेश्चन नंबर चार, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग जो होता है उसका एडवांटेजेस क्या है, उसका फायदा क्या है। देखिए इसका फायदा यही है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट मॉइस्चर, तो मॉइस्चर के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट
मॉइस्चर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीन कोटिंग ऑन कॉपर फ्यूज वायर। जो कॉपर का फ्यूज वायर होता है उसके ऊपर टीन का कोटिंग किया जाता है, क्या चीज का भाई, टीन का, वो क्यों किया जाता है वही आपको बताना है। ठीक है, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर वायर, ताकि ऑक्सीडेशन होने से बचे, जो हमारा कॉपर वायर है वो क्या हो, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वायर ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग मोस्ट सुटेबल फॉर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स। जो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होते हैं, बहुमंजिला इमारत जो होती है, उसमें ट्री सिस्टम, ठीक है, ट्री सिस्टम वायरिंग किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है, ताकि ईजी इन फॉल्ट फाइंडिंग एंड मैनी फ्यूजेज। ठीक है, कहा गया है क्या कि इस तरह का अगर वायरिंग करेंगे तो इससे क्या होगा, जो भी फॉल्ट है उसको आसानी से पता किया जा सकता है, और जो भी फ्यूज वगैरह है उसको, मान लीजिए फ्यूज हो गया है तो उसको आराम से बनाया जा सकता है, मतलब आइडेंटिफाई करने में फॉल्ट्स को आसानी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज यूज एज फिलर मटेरियल फॉर फिक्सिंग स्क्रू हॉल्स ऑन सीलिंग। सीलिंग में, छतों में जो स्क्रू हॉल्स होते हैं, स्क्रू के जो होल्स किए जाते हैं, ठीक है, स्क्रू डालने के लिए जो होल्स किए जाते हैं सीलिंग में, ऊपर छत पे, तो उसमें कौन सा फिलर मटेरियल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फिक्स करने के लिए। तो जाहिर सी बात है आप लोग देखे होंगे, एक ड्रिल करके पहले छेद किया जाता है, और उसके बाद जो है उसमें एक इस टाइप का हल्का हल्का ऐसे ऐसे निकला हुआ रहता है, ये वाइट कलर का एक जो है इसमें हम लोग पेंच डालते हैं, छेद करके पेंच डालते हैं, जिसको कि हम लोग स्लीप भी कहते हैं। ठीक है, वाइट कलर का ये डालते हैं, और उसके बाद फिर इसके अंदर जो भी आपको स्क्रू घुसाना है घुसा देते हैं। तो ये क्या है, फिलिंग मटेरियल है क्या, नायलॉन का बना होता है, जो वाइट टाइप का होता है, नहीं ये नायलॉन का बना होता है, और फिर स्क्रू होल्ड, इसी में स्क्रू हम लोग कसते हैं छेद में, तो इससे स्क्रू जो है टाइट हो जाता है। ठीक है, 7 नंबर हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि वेयर द आयरन क्लेड डबल पोल ICDP मेन स्विच इज यूज्ड। तो ICDP होता है, ICTP भी होता है, तो ICDP का पूछा गया है कि कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ICDP आयरन क्लेड डबल पोल, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में, घरों में, मतलब भाई कि जहाँ सिंगल फेज हम लोग घर में जो इस्तेमाल करते हैं वहीं पे आयरन पोल डबल, आयरन क्लेड डबल पोल का इस्तेमाल करते हैं। एक डबल पोल क्यों, एक पोल जो है आपका पॉजिटिव के लिए और दूसरा हो गया नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो ये हो गया ICDP का इस्तेमाल होता है सिंगल फेज डोमेस्टिक, घरेलू इंस्टॉलेशन में हम लोग, घरेलू जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है उसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं ICDP का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रिकल एसेसरी बिलोंग्स टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज। कौन सा इलेक्ट्रिकल एसेसरीज है जो कि जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज से बिलोंग करता है। एसेसरीज के अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं, तो एक है उनमें से जनरल, इन जनरल में से कौन सा यहाँ चार ऑप्शन में जो है मैच खाएगा, जनरल में कौन सा आता है, तो भाई 9 का आंसर हो जाएगा सीलिंग रोज। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सीलिंग रोज। चलिए सीलिंग रोज आप लोग को भी दिखा देते हैं थोड़ा सा, तो भाई यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सीलिंग, ठीक है, सीलिंग रोज। देखिए किस प्रकार का होता है, ऊपर जो दिया रहता है, हाँ ये ठीक है, पंखा जहाँ से वायर लगाते हैं आप लोग, तो समझ रहे हैं ये सीलिंग रोज, छतों में जो वहाँ से ही वायर निकलता है पंखे वगैरह या फिर ट्यूब वगैरह में जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिंग रोज कहते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ओके, अब देखिए यहाँ पे मेन स्विच जो होता है ICDP, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे चलिए एक बार मैं सर्च भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ICDP, ठीक है, ये दिखा दूँ आप लोग किस प्रकार का होता है। तो ICDP देखिए यहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, बेंच स्विच टाइप का देख रहे हैं यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए, इसी को हम लोग ICDP कहते हैं भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ DC सीरीज MCB। DC सीरीज MCB का उपयोग पूछा गया है, बताइए भाई क्या हो जाएगा। लोकोमोटिव्स में इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर ध्यान रखिएगा डीसी सीरीज मोटर जहाँ भी दिखे, डीसी सीरीज मोटर ऐसा किस में यूज़ होता है, लोकोमोटिव्स में यूज़ होता है, रेलवे में होता है, इंजन्स में होता है ना, लोकोमोटिव्स में होता है,
एस्केलेटर में होता है, लिफ्ट में होता है, ये सभी चीज़ जो है आप लोग का ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है भाई, तो यहाँ पे लोकोमोटिव्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डीसी सीरीज एमसीबी, इस ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर्स का लोकोमोटिव्स में, लिफ्ट्स में, इन सभी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, इस वजह से डीसी सीरीज एमसीबी भी उसी तरह से लोकोमोटिव्स में चले जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखेंगे। विच प्लेस द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल। तो ट्री सिस्टम का जो वायरिंग का जो ट्री सिस्टम होता है, वायरिंग के अंतर्गत जो अलग अलग सिस्टम्स हैं जिसमें से ट्री सिस्टम है, वो कहाँ सुटेबल होता है, किस जगह उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो अभी भी बता रहे थे आप लोगों को, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच टूल इज यूज टू बेंड कंडविट्स। जो कंडविट्स जो भी दिखा रहे थे आपको हम, ठीक है, पाइप टाइप का, पीवीसी पाइप टाइप का, इसको बेंड करने के लिए, इसको मोड़ने के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, हिक्की का इस्तेमाल किया जाता है, HICKEY, हिक्की। चलिए इसको भी मैं सर्च करके दिखाऊँ आप लोग को, क्योंकि समझाऊंगा उससे जितना टाइम लग जाएगा मुझे समझाने में, यहाँ पे जो है खोज दूंगा उतना देर में, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा। देखिए हिक्की यहाँ डाले तो यहाँ पे कोई बीमारी आ गया, अभी यहाँ पे मैं जब इलेक्ट्रिकल लिखा, इलेक्ट्रिकल टूल, तो फिर यहाँ पे अब आ रहा है, ठीक है। देख कुछ इस प्रकार का ये होता है, देख रहे हैं, हिक्की, आयरन हिक्की, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ देखिए ये सभी जो है हिक्की है। देखिए यहाँ पाइप में लगाया, ये वाला पार्ट देखिए पाइप में लगाया और ऐसे करके बेंड किया, समझ रहे हैं बात को, और बेंड कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडविट जो होता है ना, सिर्फ पीवीसी का नहीं होता, मैंने जो फिगर दिखाया था उसमें ये नहीं सोचिएगा सिर्फ पीवीसी कंडविट है, ये जो आपको हम बताए थे, ये देखिए ये जो बताया था, ये प्लास्टिक का आजकल आ रहा है पीवीसी में, लेकिन पहले आयरन का हुआ करता था। पहले का अगर आप रेलवे स्टेशन सब जाइए, पोस्ट ऑफिस जाइए, या फिर कोई पुराना घर जाइए, वहाँ पे देखिए लोहे का पीवीसी सब होता था, है ना। और पहले के टाइम में तो जो वाटर सप्लाई होता था, पानी वगैरह का कनेक्शन भी हम लोग स्टील का ही, स्टील आई मीन जो है जीआई का ही करते थे। अभी के टाइम में जो है पीवीसी उसका प्लेस ले लिया है, ठीक है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान दीजिएगा कि जो हिक्की का जो इस्तेमाल है ना, पीवीसी वाले में नहीं होगा, वो कैसे उसको मोड़ पाएगा, प्लास्टिक का जो ये पीवीसी का जो कंडविट होता है, ये आयरन वाला जो होता है ना, आयरन वाला जो जीआई का जो कंडविट है, उसमें हिक्की का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चलिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईएलसीवी, अच्छा क्वेश्चन है ईएलसीवी, बताइए 13 नंबर का क्या हो जाएगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ईएलसीवी क्या हो जाएगा, मोनिटर द रेसिडुअल करेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू मोनिटर, ईएलसीवी क्या हो जाएगा, मोनिटर द रेसिडुअल करेंट। चलिए ईएलसीवी भी आपको दिखा दें, ईएलसीवी, ठीक है, देखिए ये हो गया आपका ईएलसीवी, ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसको हम लोग कहते हैं। देखिए भाई यहाँ पे इंडिया मार्ट में 380 रुपये का दाम दिखा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस, ये समझ में आया ना, रेसिडुअल करंट को मॉनिटर करता है ये, बस समझ में आना चाहिए आपको, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्यूज कट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्यूज कट आउट प्रोवाइडेड इन द इनकमिंग पावर सप्लाई। जो फ्यूज का क्या यूज है, जो पावर आपके घर में आ रहा है उस जगह में इस्तेमाल करने से, फ्यूज का क्यों इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टू इंश्योर द लाइन इज नॉट ओवरलोडेड, ठीक है। फ्यूज कट प्रोवाइडेड इन इनकमिंग ऑफ पावर सप्लाई, जहां पावर सप्लाई आपके घर में, मान लीजिए आपका घर है, इसमें घुसने से पहले हम लोग एक फ्यूज कट लगाते हैं यहां पे, ठीक है, फ्यूज कट लगाते हैं। ऐसा इसलिए क्या आता है कि कहीं ओवरलोडेड लाइन कहीं तो आपके घर में एंटर नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ओवरलोडेड लाइन पहले से, तो ये क्या कर देगा, फ्यूज को कट कर देगा, ट्रिप करेगा, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, टू इंश्योर द लाइन इज नॉट ओवरलोडेड, आया बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द यूज ऑफ डाई स्टॉक सेट, तो डाई स्टॉक सेट का इस्तेमाल बोला जा रहा है। अब डाई स्टॉक भी बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, इसलिए मैं दिखा दूँ, डाई स्टॉक, ऐसे आप लोग ITI में देखे होंगे ये सब सारा टूल्स, देखिए ये होता है डाई, ठीक है, डाई स्टॉक, देख रहे हैं, ये हो गया आपका डाई
ये हो गया स्टॉक, समझ में आया बात। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये है डाई, ठीक है, ये हो गया स्टॉक, आया बात समझ में, डाई स्टॉक। चलिए भाई, तो अभी यहाँ पे हम लोग चूड़ी उड़ी बनाने के इस्तेमाल में हम लोग डाई वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, चूड़ी वगैरह बनाने के लिए, थ्रेड बनाने के लिए समझिए, तो पाइप्स वगैरह सब में। चलिए तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कट एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल पाइप्स। मैंने अभी कहा ना अभी आपको, पाइप जो होता है मेटल जीआई पाइप, उसमें सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, जाहिर सी बात है कि बेलनाकार होता है ना पाइप, उसमें थ्रेड बनाने के लिए, वो भी बाहरी थ्रेड बनाने के लिए, एक्सटर्नल थ्रेड, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन 16, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन। तो कहा जा रहा है कि जो वायरिंग इंस्टॉलेशन जो होता है, जो वायरिंग हम लोग जो करते हैं, उसमें सर्किट डायग्राम की क्या आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, सर्किट डायग्राम हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू शो द स्कीमेटिक कनेक्शन ऑफ द सर्किट फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। तो जो कनेक्शन है उसको शो करने के लिए, जो भी टास्क दिया गया है उसको करने के लिए, कि हाँ यहाँ पे जो है ये एसेसरीज लगेगा, यहाँ पे इस तरह से आपको वायर इधर से ले जाना है, इधर वायरिंग करना है ना, तो उस टास्क को करने के लिए और जो है कनेक्शंस को ये करने के लिए, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम बनाया जाता है, उसमें हम लोग देख पाते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या फिटिंग होगा, कहाँ क्या क्या लगेगा, जो स्पेसिफिक टास्क है उसको हम लोग पूरा करते हैं इस डायग्राम, सर्किट डायग्राम को देखते हुए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 17 नंबर देखिए, व्हाई द लूपिंग बैक लूप इन मेथड इज प्रेफर्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो कहा गया है कि लूपिंग बैक मेथड डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन में क्यों प्रेफर किया जाता है। ठीक है, तो भाई देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नो सेपरेट ज्वाइंट्स आर यूज्ड, क्योंकि इसमें कोई अलग से जो है जॉइंट्स, हम लोग सेपरेट जॉइंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो है लूपिंग मेथड का डोमेस्टिक मतलब घरेलू वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, तो किसी प्रकार का जो है उसमें सेपरेट जॉइंट का इस्तेमाल नहीं होता, इस वजह से अलग से कोई जॉइंट का यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ वायरिंग इज इलस्ट्रेटेड इन सर्किट डायग्राम। तो ये जो सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, ये किस का सर्किट डायग्राम है, कौन से वायरिंग का सर्किट डायग्राम है। देखिए अभी इससे पहले ही क्वेश्चन आया था, इसमें ये डायग्राम दे दिया गया था, अब बोला गया था ये कौन सा डायग्राम के अंतर्गत आएगा, जैसे कि आपका कनेक्शन डायग्राम, सर्किट डायग्राम या फिर जो है इंस्टॉलेशन डायग्राम, तो उसमें आंसर क्या था इसका, ये सर्किट डायग्राम कहलाता। तो सर्किट डायग्राम में जो है आपका इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स वगैरह का यूज करके हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आपको ये बताना है कि डायग्राम किस चीज़ का है भाई। तो ध्यान रखना है स्टेयर केस वायरिंग है, स्टेयर केस वायरिंग, जहाँ की एक ये हमारा बल्ब का है सिंबल, यहाँ पे टू वे स्विच एक लगाया गया है फर्स्ट फ्लोर समझ लीजिए, और एक सेकंड फ्लोर में टू वे स्विच लगाया गया है, और इन दोनों फ्लोर के बीच में स्टेयर पे सीढ़ी पे एक ये बल्ब जो है यहाँ पे लगा दिया गया है, लैंप लगा दिया गया है, ठीक है, न्यूट्रल और फेज जो है यहाँ पे सप्लाई दिया गया है। तो ये हो गया हमारा स्टेयर केस वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच वायरिंग मैथड इज इलस्ट्रेटेड। अब ये जो है कौन सा वायरिंग मेथड के अंतर्गत आने वाला है, ये कौन सा वायरिंग है, ठीक है, तो CTS वायरिंग, क्लीट वायरिंग, फिर PVC कंड्यूट वायरिंग, PVC कास्टिंग एंड कैपिंग वायरिंग। तो देखिए ये जो है आपका क्लीट वायरिंग में चले जाएगा, किस में जाएगा, ये जो जो आप देख रहे हैं वायरिंग, ये पूरा जो है हमारा किस में, क्लीट वायरिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट आप लोग एग्जाम में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ कंड्यूट यूज फॉर गैस टाइट एक्सप्लोजिव इंस्टॉलेशन। कह रहा है कि जो भी गैस टाइट, गैस से भरा हुआ जो एक्सप्लोजिव्स होता है विस्फोटक, ठीक है, गैस से भरा हुआ विस्फोटक में किस प्रकार का, किस टाइप का कंड्यूट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या होगा, रिजिड स्टील कंड्यूट, क्या होगा इसका आंसर, रिजिड मतलब सख्त, हार्ड स्टील कंड्यूट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 21, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाय मेटेलिक स्ट्रिप इन MCB। MCB में जो है बाय मेटेलिक स्ट्रिप दिया रहता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल क्या है, बाय मेटेलिक जो है आपका
इसमें जो आपका आयरन होता है उसमें भी बायोमेटेलिक स्ट्रिप होता है, जो कि हीट के कारण क्या होता है उसका पत्ती जो होता है बायोमेटेलिक स्ट्रिप ये होता है, बेंड होता है। तो एमसीबी में इसका क्या इस्तेमाल है? ओवरलोड प्रोटेक्शन का इस्तेमाल है इसमें। क्या इसका इस्तेमाल होता है? ओवरलोड प्रोटेक्शन से बचाता है हमको, ओवरलोड से हमको बचाता है बायोमेटेलिक स्ट्रिप। क्या होगा ओवरलोड जब होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आयरन में जो पत्ती लगी हुई थी क्या होता है, जैसे ये है पत्ती, जैसे ही गर्म होगा ना ये थोड़ा सा झुक जाएगा, ठीक है, और जो पॉइंट है उसमें जाके टच हो जाएगा और ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आपका आयरन जो है ये ये हो जाएगा, मतलब पावर कट हो जाएगा, उस तरह से समझिए। उसी तरह से यहाँ पे भी बायोमेटेरियल स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है एमसीबी में, ताकि ओवरलोड जैसे ही होगा तो क्या होगा, स्ट्रिप क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होने के कारण ये जो है आपका बेंड होगा, ठीक है, और ये आपका पावर कट कर देता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हाट प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, तो कौन सा प्रोटेक्शन हम लोग देते हैं रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर में? तो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर अभी आप लोग को बता भी रहे थे, तो किस तरह का प्रोटेक्शन देता है भाई? ये हमें प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक्स देता है। क्या? तो प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, शॉक मतलब जो झटका होता है, जो इलेक्ट्रिकल का जो करंट का जो झटका होता है उससे हमें बचाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वायरिंग इज सुटेबल फॉर टेम्पोररी इंस्टॉलेशन, टेम्पोररी इंस्टॉलेशन के लिए कौन सा वायरिंग सुटेबल होता है? तो टेम्पोररी अगर आपको काम करना है, ठीक है, टेम्पोररी अगर आपको काम करना है ऐसी स्थिति में आपको कौन सा वायरिंग इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कि अस्थाई नहीं, अस्थाई अगर काम आपको करना है अस्थाई, उसके लिए हम लोग क्लीट वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा भाई? तो क्लीट वायरिंग। और क्लीट वायरिंग अभी आपको हमने दिखाया था कैसा होता है क्लीट वायरिंग। देखिए यहाँ पे फिगर में, यहाँ भी आप लोगों को मैं बता रहा था ना, ये था आपका क्लीट वायरिंग, देख रहे हैं इस तरह से। तो चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ वायरिंग सर्किट। अब इसका कह रहा है कि एप्लीकेशन क्या है, क्या इसका यूज क्या है? तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका हम लोग इस ये जो वायरिंग सर्किट देख रहे हैं इसमें आप क्या देख रहे हैं कि दो लैंप है, एक लैंप वन लैंप टू, एक यहाँ टू वे स्विच है और यहाँ एक वन वे स्विच है। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं भाई? इसका देखिए इस्तेमाल हम लोग जो करते हैं वो वन लैंप ब्राइट एंड टू लैंप डिम ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वन लैंप ब्राइट एंड टू लैंप डिम ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच टाइप ऑफ एसेसरीज आर यूज टू ऑपरेट पोर्टेबल अप्लायंसेस। तो कहा गया है कि किस प्रकार का एसेसरीज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं पोर्टेबल अप्लायंसेस को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो पोर्टेबल अप्लायंसेस कैसे क्या हो सकता है, जैसे कि आपका जो आयरन होता है वो पोर्टेबल है, उसको आप लेके जा सकते हैं, है ना, उस टाइप से अप्लायंसेस के बारे में बोल रहा है कि किसके अंतर्गत जाएगा वो। तो ये हो जाएगा आउटलेट एसेसरीज के अंतर्गत जाएगा। किसमें जाएगा? आउटलेट एसेसरीज। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच इंसुलेशन इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शन एंड बेसिक प्रोटेक्शन। तो किस प्रकार का इंसुलेशन जो है नेसेसरी होता है बेसिक प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, बेसिक प्रोटेक्शन के लिए किस प्रकार का इंसुलेशन जरूरत होता है? तो इसका हो जाएगा फंक्शनल इंसुलेशन। क्या हो जाएगा? फंक्शनल इंसुलेशन। 27 नंबर देखिए, विच टाइप ऑफ एसेसरीज फ्यूज कम्स अंडर, विच टाइप ऑफ एसेसरी फ्यूज कम अंडर, जो फ्यूज होता है वो किस प्रकार के एसेसरीज के अंदर आता है, ठीक है, फ्यूज जो होता है किस प्रकार के एसेसरीज के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा सेफ्टी के अंतर्गत आता है, जाहिर सी बात है सेफ्टी एसेसरीज के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच टाइप ऑफ एमसीबी सुटेबल फॉर हैलोजन लैंप। अब हैलोजन लैंप के लिए हम लोग किस प्रकार का एमसीबी यूज करते हैं? जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपको क्वेश्चन एक आया था कि एल सीरीज जो था वो किसके लिए था? गीजर के लिए था, है ना, तो जो हैलोजन लैंप है उसके लिए हम लोग जी सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हैलोजन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? जी सीरीज।
आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, विच टाइप ऑफ डायग्राम, यहाँ पे व्हाट इज द टाइप ऑफ डायग्राम ये बताना है आपको। तो भाई यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक यहाँ पे लैंप है और यहाँ पे जो है दो टू वे स्विच है, देख रहे हैं। तो ऐसे तो ये किसका डायग्राम है, स्टेयर केस का, लेकिन इसको हम लोग कौन सा डायग्राम कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, इसको हम लोग कहते हैं वायरिंग डायग्राम। आया बात समझ में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वायरिंग डायग्राम है ना, वायरिंग डायग्राम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। देखिए 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ 30 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है वाई ए सी इज रिक्वायर्ड टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। तो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जिसको कि हम लोग मेगर भी कहते हैं, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो है एसी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ठीक है, एसी का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं जब अर्थ रेजिस्टेंस जब मेजर करते हैं, ठीक है, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर के द्वारा जब हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस जब मेजर करते हैं तो उस केस में एसी का ज़रूरत क्यों पड़ता है, ठीक है भाई। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, टू अवॉइड इलेक्ट्रोलिटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ताकि जो इलेक्ट्रोलिटिक ईएमएफ इंटरफेरेंस है उसको ख़त्म किया जा सके, उसको रोका जा सके, इसलिए। क्वेश्चन 31 देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन इज इलस्ट्रेटेड। अभी किस प्रकार का जो है घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन यहाँ पे किया गया है, जो कि आप यहाँ पे अभी सामने फिगर में देख रहे हैं। तो भाई इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये किस प्रकार का टेस्ट है, ये है आपका पोलैरिटी टेस्ट। कौन सा है, तो ये पोलैरिटी टेस्ट कहलाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। अब नया नया जो मान लीजिए कि वायरिंग हुआ है कोई घर में, तो उसमें किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा उसको टेस्ट करने के लिए कि सही से वायरिंग हुआ नहीं हुआ, ये सभी चीज़ें। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हम लोग मेगर का इस्तेमाल करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, मेगर का। 33 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ टेस्ट इन द वायरिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ टेस्ट इन वायरिंग इंस्टॉलेशन, अभी किस प्रकार का टेस्ट है ये बताना है आपको, कि ये जो टेस्ट देख रहे हैं ये किस प्रकार का है वायरिंग इंस्टॉलेशन में। जैसे कि अभी आपने देखा था पोलैरिटी टेस्ट, उसी तरह से यहाँ पे आपको बताना है। देखिए ये इसका आंसर होगा इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, ठीक ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 34 नंबर देखिए है वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन। सिस्टम अर्थिंग का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो सिस्टम अर्थिंग हम लोग जनरेटिंग स्टेशंस में यूज करते हैं, ठीक है, सिस्टम अर्थिंग हम लोग जनरेटिंग स्टेशंस में यूज करते हैं। व्हाट इज द टेस्ट टू कैरीड आउट बाय यूजिंग मेगर, मेगर के द्वारा कौन सा टेस्ट कैरी किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मतलब कि टेस्ट करते हैं मेगर के द्वारा, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट ये करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पोलैरिटी टेस्ट वगैरह नहीं किया जाता है, अर्थ इलेक्ट्रोड टेस्ट भी नहीं, अर्थ कंडक्टर कंटिन्यूटी टेस्ट नहीं, ठीक है, इस सबसे कंफ्यूज नहीं होना है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, विच वायरिंग इंस्टॉलेशन द सिस्टम अर्थिंग इज टू बी डन, विच वायरिंग इंस्टॉलेशन द सिस्टम अर्थिंग टू बी डन। तो सिस्टम अर्थिंग जो है आपका जो है सब स्टेशंस में हम लोग करते हैं, और सिस्टम अर्थिंग जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था जो अभी 34 में हम लोग देख रहे हैं, वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन, तो वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन जैसे था, तो यहाँ पे देखिए सब स्टेशन का ऑप्शन कहीं नहीं था, यहाँ जनरेटिंग स्टेशन था इसलिए हमने यहाँ लगा दिया, क्योंकि सिस्टम अर्थिंग वही होता है। यहाँ पे भी देखिए दिया है कि सिस्टम अर्थिंग के बारे में बोला है, तो यहाँ पे गो डाउन डोमेस्टिक कमर्शियल तो नहीं होगा, सब स्टेशन नहीं होगा, हाँ है ना, सब स्टेशन। यहाँ मान लीजिए कि जनरेटिंग स्टेशन था तो उसको भी लगा देते आप,
क्वेश्चन नंबर जो है, मतलब दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, ऐसा नहीं है। विच मैथड ऑफ अर्थ रजिस्टेंस मेजरमेंट इज इलस्ट्रेटेड। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अर्थ रजिस्टेंस, मतलब अर्थ का रजिस्टेंस हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये कौन सा मैथड के अंतर्गत आ रहा है? तो देखिए भाई, ये जो है आपका फॉल ऑफ पोटेंशियल मैथड, ध्यान रखिएगा फॉल ऑफ पोटेंशियल मैथड, और इसी के प्रिंसिपल पर, इसी के प्रिंसिपल पर जो हमारा मेगर है वो वर्क करता है, जो कि क्वेश्चन भी बना था और अभी आपको डिस्कस भी कराए थे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्सर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्सर इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। तो अर्थ रिवर्सर, करंट रिवर्सर का क्या फंक्शन होता है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में, ये बता दीजिए। तो इसका काम यही है कि चेंज डीसी सप्लाई इनटू एसी, इसका काम क्या है भाई, टू चेंज द डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई। और एसी सप्लाई की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, जो इलेक्ट्रोलिटिक इंटरफेरेंस था उसको कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, हाउ द कैटल कैटली टोस्टर्स एंड हॉट प्लेट्स आर अर्थड। जो कैटली होता है, कैटली जिसमें कि आप पानी वगैरह गर्म करते हैं, टोस्टर जिसमें टोस्ट आप ब्रेड वगैरह सेकते हैं, और हॉट प्लेट्स तावा जो होता है, वो उसको अर्थिंग कैसे किया जाता है, उसको अर्थड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग अर्थ करते हैं, बाय यूजिंग 3 पिन प्लग, ठीक है। इसमें एक ये जो होता है बड़ा होता है अर्थ वाला, और यहाँ पे दो छोटे छोटे होते हैं, तो ये वाला जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला इसी पिन के थ्रू जो हम लोग अर्थिंग करते हैं, 3 पिन प्लग के थ्रू हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाई द पॉइंटर इज अनसुटेबल एट जीरो ऑन द स्केल एज द मेगर इज नॉट इन यूज। कह रहा है कि जो पॉइंटर होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। पॉइंटर जो है वो जीरो पे जो है ना, जीरो पे अनस्टेबल रहता है, मतलब कि जीरो पे खड़ा नहीं रहता है, वो इधर उधर करता है, ठीक है। कब, जब हम लोग मेगर का इस्तेमाल नहीं कर रहे उस टाइम भी वो जीरो पे खड़ा नहीं रहता। ऐसा क्यों? क्योंकि इट इज नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टॉर्क, क्योंकि उसमें जो है कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं है, इस वजह से वो ऐसा हो रहा है। समझ में आया बात, कि देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क का क्या काम है, जो निडिल होती है, ये आपका जो है डायलर प्लेट हो गया, जो कि मेजरमेंट जहाँ के आप चेक करते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है क्या होता है, पॉइंटर होता है। तो पॉइंटर जीरो पे अगर है यहाँ पे, तो यहाँ पे रहना चाहिए एक ही जगह, बट आप इसका यूज भी नहीं कर रहे हैं और ये जीरो पे नहीं होकर इधर उधर हो रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें जो है एबसेंट है, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, तो 41 में देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, विच इज प्रोपोर्शनल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ ओम मीटर नीडल इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। कौन सा जो है प्रोपोर्शनल होता है, कौन सा इन सब में से क्या प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन ऑफ ओम मीटर नीडल इन अर्थ टेस्टर। तो जो नीडल का डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनल क्या होता है, मतलब कि क्या हम इसमें बढ़ा दें कि जो नीडल का डिफ्लेक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, ऐसा समझिए। तो भाई क्या हो जाएगा इसका, देखिए रेशियो ऑफ करंट इन टू क्वाइल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 42, व्हाई सिस्टम अर्थिंग इज डिफरेंट इन यूटिलाइजेशन देन इक्विपमेंट अर्थिंग। कहा जा रहा है कि जो सिस्टम अर्थिंग होता है वो डिफरेंट क्यों होता है इक्विपमेंट अर्थिंग के अपेक्षा। तो देखिए, इट इज एसोसिएटेड विथ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। कि ये जो होता है ना, ये आपका किससे जुड़ा हुआ होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर से जुड़ा हुआ होता है, समझ में आया बात। इसलिए सिस्टम अर्थिंग क्या है, डिफरेंट है इक्विपमेंट अर्थिंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जी सीरीज, अभी हमने बताया था आपको जी सीरीज टाइप MCB का इस्तेमाल हम लोगों ने अभी देखा था, किसमें कर रहे थे हम लोग, हेलोजन्स में कर रहे थे, है ना, हेलोजन्स में कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि और किस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, यहाँ पे एयर कंडीशनर्स में भी हम लोग जी टाइप जो है MCB का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज द मेगर रीडिंग इन डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन। मेगर
रीडिंग के बारे में बोल रहा था कि मेगर का क्या रीडिंग होगा जब डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन होगा, मतलब कि जो है आपका वायरिंग क्या हो चुका है, डेड हो चुका है और शॉर्ट होने के कारण डेड हो चुका है, वैसे इंस्टॉलेशन में मेगर कितना रीडिंग दिखाएगा। तो कितना दिखाएगा भाई, 0 मेगा ओम दिखाएगा। कितना दिखाएगा, 0 मेगा ओम दिखाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। शॉर्ट हुआ है ना इस वजह से, ओपन रहता तो क्या दिखाता, इन्फिनिटी। चलिए वेयर द ELCB, वेयर द ELCB मस्ट बी कनेक्टेड इन द सर्किट। ELCB जो है आपका सर्किट में कहाँ कनेक्शन करना चाहिए आपको, ELCB को अपने सर्किट में मतलब कहा जाए कि डोमेस्टिक वायरिंग में कहाँ पे कनेक्शन करना चाहिए। तो आंसर देखिए इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा इन द एंट्री ऑफ सप्लाई टू लोड आफ्टर एनर्जी मीटर। ठीक है, एट द एंट्री ऑफ सप्लाई टू लोड आफ्टर एनर्जी मीटर, मतलब एनर्जी मीटर के बाद। ठीक है, एनर्जी मीटर के बाद। ठीक, चलिए अब देखिए यहां पे आपको लगेगा कि आफ्टर एनर्जी मीटर तो यहां पे दिया ही है, बिफोर एनर्जी मीटर तो हो ही नहीं सकता है, एनर्जी मीटर के बाद ही जाएगा इसमें। ठीक ना, देखिए इसमें जो है आप बोलिएगा कि एनर्जी मीटर के बाद ही लगाना है ना, तो ऑप्शन बी भी तो जाएगा आफ्टर एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर के, ठीक है एनर्जी मीटर के बाद हम बोल रहे हैं, तो आप एनर्जी मीटर के बाद में तो कहीं भी लगा दीजिएगा, एनर्जी मीटर के बाद ही ना बोला गया, यहाँ पे लोड है हमारा, लोड है तो यहाँ पे आप लगा दिए, यहाँ लगा दिए, कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ तो नहीं बोला जाता है कि ELCB जो है एनर्जी मीटर के कहीं भी बाद लगा दीजिए, एनर्जी मीटर के बाद ही लगाना है, हम लोड के बाद भी लगा दें, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सिस्टम यही है कि जो एट द एंट्री ऑफ सप्लाई, सप्लाई का जो एंट्री पॉइंट है ये एंट्री, और जो लोड पॉइंट का जो आउट है, ये जो इसे मान लीजिए ये हमारा जो क्या है आपका मीटर है, एनर्जी मीटर, इसका एंट्री पॉइंट ये हुआ और ये बाहर निकला, ये कहाँ गया, ये हमारा लोड में गया। तो ये लोड, और इस लोड के पहले क्या है, यहाँ पे एनर्जी मीटर है, इसी के बीच में हम यहाँ पे लगाएंगे एनर्जी, इसको ELCB को इस जगह लगाएंगे, यही है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ लीकेज करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। कुछ पूछ रहा है कि कॉज क्या होता है लीकेज करंट का जो कि सर्किट में फ्लो करता है, तो क्या होगा इसका आंसर, इंसुलेशन फेलियर। जब इंसुलेशन फेलियर हो जाता है किसी का, जब बॉडी में करंट आने लगता है कोई भी अप्लायंसेस का, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लीकेज करंट बहना चालू होता है, करंट लीक होने लगता है, कहाँ से, बॉडी से, वो प्रॉपर इंसुलेशन फेल्योर के कारण होता है। ठीक ना, आइए अगला क्वेश्चन, अब लेवल 3 में जचले आए हैं हम लोग, और यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लो करंट रेटेड केबल यूज टू कनेक्ट हायर करंट लोड्स। कहने का तात्पर्य है देखिए कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लो करंट रेटेड केबल यूज टू कनेक्ट हायर करंट लोड। मान लीजिए कोई केबल है, वो उसका रेटिंग जो है, करंट का जो रेटिंग उसमें जो दिया गया है, वो उसमें कहा गया है कि ये कम जो कि लो करंट होगा, ठीक है, कम धारा जो है इसमें ट्रांसफर करने के लिए ये रेटिंग किया गया है इस केबल का, और उसको अगर आप हाई करंट लोड के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये केबल को अगर जो डिजाइन किया गया है ये लो करंट ऑपरेशन के लिए बनाया गया है, और इसको हाई करंट के लिए अगर डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हाई करंट इससे गुजारने लगेगा तो क्या होगा, ये केबल क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ये केबल क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केबल डैमेज ड्यू टू हीट। तो हीट के कारण क्या हो सकता है, ये डैमेज हो सकता है। आया बात समझ में, क्या हो सकता है भाई, तो ये डैमेज हो सकता है, जल सकता है हीट के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कैलकुलेट द अर्थ फॉल्ट लूप इम्पिडेंस इफ ELCB ट्रिपिंग करंट इज 30 मिली एम्पियर। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो है ये जाएगा, ठीक है, 1666। आइए
चलिए अब यहाँ पे हाउ द कंट्रोल हार्मोनिक डिस्टोर्शन इन न्यूट्रल कनेक्शन एज पर आईई रूल, हाउ टू कंट्रोल हार्मोनिक डिस्टोर्शन इन न्यूट्रल कनेक्शन। न्यूट्रल कनेक्शन में जो हार्मोनिक डिस्टोर्शन होता है उसको कैसे कंट्रोल कीजिएगा, ये कहा गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा अर्थिंग थ्रू इम्पीडेंस। अर्थिंग थ्रू इम्पीडेंस, अगर हम अर्थिंग करें इम्पीडेंस के थ्रू तो हार्मोनिक डिस्टोर्शन को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन चार है हाउ द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस, अर्थ रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, बाय प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग। अर्थ रेजिस्टेंस को आप कम कैसे कीजिएगा भाई, तो अगर डबल अर्थिंग हम प्रोवाइड कर दें ऐसी स्थिति में अर्थ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये लगाएंगे दो। देखिए अर्थ रेजिस्टेंस को और भी मेथड से जो है हम लोग कम कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस था उसके अकॉर्डिंगली एक ये भी उपाय है जिसमें कि आप डबल अर्थिंग कर दीजिए, दो अर्थिंग कर दीजिए, उससे हो जाएगा। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखिए यहाँ भी आया हुआ है, हाउ द अर्थिंग सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड फॉर मोर इफेक्टिव। कहता है कि अर्थिंग सिस्टम को जो है और असरदार करने के लिए और इफेक्टिव करने के लिए क्या मेथड आप यहाँ पे अपनाइएगा पांच ऑप्शंस में। तो यहाँ पे देखिए कीप वेट कंडीशन इन अर्थ पिट अवे ऑलवेज। तो यहाँ पे जो अर्थ पिट है, ठीक है, अर्थ पिट जो कि गड्ढा खान करके जो बनाया जाता है और जहाँ इलेक्ट्रोड्स जो है कंडक्टर्स डाले जाते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स डाले जाते हैं, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि कंडीशन जो है ना वेट रखने के लिए, यहाँ पे थोड़ा वेट कंडीशन गीला वहाँ का वातावरण रखना है, नीचे का मिट्टी का जो है वो गीला रखना है। ऐसे में आप जो है क्या कर सकते हैं, अर्थिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये जो था हमारा बेस्ट आंसर था, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन बेस्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच टेस्ट इज टू बी कैरिड आउट इफ द बेड लैम्प इज नॉट ग्लोइंग। कह रहा है कि अगर बेड लैम्प, नीचे का जो लैम्प, जो बेड स्विच जो होता है वो अगर लैम्प अगर वो जल नहीं रहा है बेड लैम्प, बट फेज इज कमिंग टू लाइट पॉइंट इफ द स्विच 2 and 3 आर स्विच्ड ऑन। तो यहाँ पे देखिए ये बेड लैम्प है, देख रहे हैं, ओके, और यहाँ पे जो है स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, तीन स्विच है। कह रहा है कि कौन सा टेस्ट आप इसमें कैरी कीजिएगा, कौन सा टेस्ट आप इसमें लगाइएगा कि अगर ये बेड लैम्प नहीं जलेगा, ठीक है, कि बेड लैम्प जो है नहीं जल रहा है पर फेज जो है फेज में करंट आ रहा है, ठीक है, जब आप स्विच 2 और 3 को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, ऐसी स्थिति में कौन सा लैम्प, कौन सा इसमें आप क्या कीजिएगा, काम क्या कीजिएगा इसमें, ठीक है। इसमें देखिए कंटिन्यूटी टेस्ट आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यूटी टेस्ट ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर ऑफ लैम्प, क्योंकि लाइन तो हमारा आ रहा है ना भाई, लाइन जो है ये लाइन देखिए ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये लाइन हमारा आ रहा है, बट जब लैम्प में देखिए लैम्प कब जलेगा बताइए मुझे, ये मान लीजिए मेरा लैम्प है, ये लैम्प है भाई, ये कब जलेगा, इसमें लाइन हमारा पहुँच रहा है, इसके पास करंट आ रहा है, यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं तो करंट आ रहा है, इसमें न्यूट्रल जाहिर सी बात है कुछ फॉल्ट हुआ है जो न्यूट्रल का सप्लाई इसमें नहीं मिल पा रहा है, प्लस तो आ रहा माइनस नहीं आ पा रहा है, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रल में कंटिन्यूटी टेस्ट करके देखेंगे कि क्यों क्या बात है, कहाँ प्रॉब्लम हुआ है। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुँचते हैं हम लोग, विच प्रोटेक्ट्स इफिशियंटली फ्रॉम इलेक्ट्रिकल हजार्ड ऑफ शॉक एंड फायर कॉज्ड बाय ओवर करंट अर्थ लीकेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। कह रहा है कि इस सब में से जो जैसे कि प्रॉब्लम्स जैसे यहाँ बताया गया, सबसे पहले बोला गया है ओवर करंट, ठीक है, ओवर करंट, उसके बाद अर्थ लीकेज और शॉर्ट सर्किट, इन तीन प्रॉब्लम जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में जो तीन प्रॉब्लम देख रहे हैं आप, इसमें आपको जो है कौन कौन सा इसमें डिवाइस जो है, इसमें कौन कौन सा उपकरण जो है आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, इन तीनों से बचा सकता है, ओवर करंट, लीकेज का लीकेज, अर्थ लीकेज या शॉर्ट सर्किट से, ठीक है। तो देखिए
इसमें एम सी बी और प्लस ई एल सी बी इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा, एम सी बी प्लस ई एल सी बी, ठीक ना। तो अर्थ लीकेज जो है कौन डिटेक्ट करेगा, ई एल सी बी करेगा। ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट करंट कौन फॉल्ट पता करेगा, एम सी बी पता करेगा। तो दोनों को आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक मैं दिखा दूँ आप लोगों को सिस्टम, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसी में आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ मैं दिखाना चाह रहा था, ये देखिए ये हमारा क्या है, या फिर यहाँ देखिए, चलिए यहीं पे देखिए कोई बात नहीं, ये हमारा मीटर है। अब मीटर के बाद यहाँ देखिए ई एल सी बी लगाया गया और यहाँ पे एक एम सी बी लगाया गया, देख रहे हैं। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट ओवर करंट से बताएगा, इसको प्रोटेक्शन देगा, और ये हमारा अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन देगा, ठीक ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग लाइक वगैरह कर दीजिए, शेयर वगैरह कर दीजिए सेशन को, और दूसरी बात है कि जितने भी अपडेट्स आते रहते हैं आप लोग अपने ग्रुप वगैरह में शेयर करते रहिएगा, लाइक वगैरह करते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हाउ द इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग इज एग्जीक्यूटेड इन एम सी बी, हाउ द इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग इज एग्जीक्यूटेड इन एम सी बी। तो देखे होंगे कि जरा सा भी फॉल्ट आया नहीं और एम सी बी तुरंत ट्रिप कर गया, इसमें कौन सा विधि लगाया गया, ऐसा क्या उसमें लगाया कि तुरंत तो ट्रिप हो जाता है। इसमें क्या लगाया गया भाई, सोलोनॉइड लगाया गया, ठीक है। सोलोनॉइड क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर तार को लपेट के दिया गया, वही सोलोनॉइड बन गया, तो उसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो कहता है, व्हाट हैपेंस इफ ओनली वन केबल इज कनेक्टेड फ्रॉम द फोर ब्रांच सर्किट टू न्यूट्रल लिंक। कह रहा है कि क्या होगा अगर सिर्फ एक केबल को जो है अगर हम क्या करेंगे ब्रांच सर्किट में जो कि न्यूट्रल वाला है उसमें कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस केस में क्या होगा, ठीक है। न्यूट्रल लिंक के साथ अगर हम चार ब्रांच सर्किट वाले केबल को कनेक्शन कर देंगे तो इस केस में क्या होगा, ऑल लैंप्स गिव मोर देन नॉर्मल ब्राइटनेस, तो जो नॉर्मल ब्राइटनेस है लैंप का उससे ज़्यादा रोशनी देना चालू कर देगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच इज द काउज फॉर इलेक्ट्रीशियन रिसीव सर्व शॉक वाइल ही टचेज द बेस पार्ट ऑफ द ब्रांच केबल इवन आफ्टर स्विच्ड ऑफ द आई सी डी बी मेन। कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रीशियन को जो है बहुत ही तेज झटका लगता है अगर वो किसी ब्रांच केबल को के बेस को जमीन को छूता है अगर, तो ठीक है, ब्रांच केबल के बेस को मतलब कि उसके सतह को छूता है, इवन दो कि उसने जो है आईसीडीबी मेन जो है उसको ऑफ कर दिया है उसके बावजूद भी, तो ऐसा क्यों होता है भाई। इसलिए होता है क्योंकि डिफेक्टिव फिंगर कॉन्टेक्ट इन द मेन स्विच, ठीक है, डिफेक्टिव फिंगर कॉन्टेक्ट इन द मेन स्विच। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पे जो है डिफेक्टिव है जो कि मेन स्विच में जहाँ की उसका कॉन्टैक्ट हुआ है, इस वजह से उसको करंट लग रहा है। देखिए 11 नंबर, हाउ द केबल्स कैन बी रन इन द मेटल कंडेट इन द प्लेस ऑफ जिगजैग वाल प्रोजेक्शन। तो कह रहा है कि जहाँ पे वाल जो है दीवार जो है इस तरह से उबड़ खाबड़ है वहाँ पे मेटल कंड्यूट को, ठीक है, मेटल पाइप को कैसे आप डालिएगा, ठीक है, पाइप के अंदर केबल कैसे आप डालिएगा वो कहा गया। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर जाएगा, यूजिंग मेटल फ्लेक्सिबल कंड्यूट, वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्लेक्सिबल कंड्यूट, मेटल का ही जो कंड्यूट होगा वो फ्लेक्सिबल टाइप का जो कंड्यूट होगा वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो फिक्स्ड वाला सॉलिड वाला नहीं, थोड़ा फ्लेक्सिबल वो भी होना चाहिए, जैसे दीवार मान लीजिए फ्लेक्स ऊपर नीचे है तो वो मेटल भी जो है थोड़ा बहुत हम लोग लचपच टाइप का रहेगा तो क्या होगा उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हम लोग मोड़ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ लिमिट ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू फॉर अ 3 वाट 240 गीजर। सेफ लिमिट पूछा गया है, ठीक है, अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू का जो कि 3 किलोवाट 240 वोल्ट गीजर का, ये रेटिंग दिया गया है गीजर का और इसमें आपसे सेफ लिमिट पूछा गया है अर्थ रेजिस्टेंस का, तो इतना कितना होना चाहिए, मैक्सिमम सेफ लिमिट कितना तक माना गया है, इसके लिए 8 ओम तक माना गया है, ठीक है।
8 ओम कैसे बनाए आप लोग, देखिए यहाँ पे हम लोग जो है क्या करेंगे कि पी इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर लगा करके देखिएगा आप लोग, आंसर इसका जो है 8 ओम है। ठीक है, कितना है इसका आंसर, 8 ओम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सब सर्किट इज रिक्वायर्ड फॉर 200 नंबर ऑफ 40 वाट ट्यूबलाइट लोड इन एन इंडस्ट्री। तो कहा जा रहा है कि इसमें जो है 240 वाट का ट्यूबलाइट है, तो कितने नंबर जो है आपको सब सर्किट का कितना रिक्वायरमेंट होगा, कितना सब सर्किट आपको जरूरत होगा बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें कितने नंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी, कितने सब सर्किट आप बनाइएगा, तो भाई 10, कितना हो जाएगा 10 सब सर्किट बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता है कि हाउ द न्यूट्रल केबल शुड बी कैरिड इनसाइड द पीवीसी चैनल वायरिंग। ठीक है, हाउ द न्यूट्रल केबल शुड बी कैरिड इनसाइड पीवीसी चैनल वायरिंग, तो पीवीसी चैनल वायरिंग के अंदर जो है न्यूट्रल केबल को कैसे आप लेके जाइएगा। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल केबल शुड बी टॉप एंड फेज केबल शुड बी बॉटम। तो जो न्यूट्रल केबल है उसको कहाँ रहना चाहिए, बॉटम में रहना चाहिए, और जो फेज केबल है उसको कहाँ रहना चाहिए, टॉप में रखना होगा। अगर पीवीसी चैनल वायरिंग है उसमें, अगर पीवीसी में, तो आपको जो है बॉटम में आपको किसको देना है, न्यूट्रल को देना है, और टॉप में किसको देना है, यहाँ फेज को आपको देना है। ठीक है, ऊपर नीचे करके। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हिच फॉल्ट इज इन वायरिंग इंस्टॉलेशन टू बी ट्रेस्ड ओनली आफ्टर आइसोलेटिंग द लाइव कंडक्टर एंड रिमेनिंग ऑल लैंप्स इन द सर्किट। ठीक है, तो इसमें फॉल्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि जो वायरिंग इंस्टॉलेशन में फॉल्ट के बारे में बताना है, जिसमें कि आप लाइव कंडक्टर और को आइसोलेट कर सकते हैं, लाइव कंडक्टर को आइसोलेट कर सकते हैं, रिमेनिंग ऑल लैंप्स इन द सर्किट। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या आंसर जाएगा इसका, तो क्या होगा भाई, अर्थ फॉल्ट होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, अर्थ फॉल्ट। इसमें देख लीजिए, ये अर्थ फॉल्ट के कारण ऐसा होता है कि जो आपका लाइव कंडक्टर है उसको हम आइसोलेट कर लेते हैं, किससे, जो भी लैंप का, जितना भी लैंप है, जितना भी मान लीजिए कि लाइन लैंप में आपने दिया हुआ था, उससे लाइव कंडक्टर को हम लोग हटा लेते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे अर्थ फॉल्ट ऐसा कुछ होने के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाउ टू रेक्टिफाई द फॉल्ट इन वायरिंग इंस्टॉलेशन इफ पोलैरिटी वॉज फाउंड रॉन्ग थ्रू आउट द इंस्टॉलेशन। पोलैरिटी होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस तरह के फॉल्ट को आप कैसे ठीक कीजिएगा वायरिंग इंस्टॉलेशन में, जब पोलैरिटी जो है इंस्टॉलेशन के टाइम पता चलता है कि पोलैरिटी क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हुआ है, वैसे स्थिति में हम लोग क्या करेंगे भाई, तो देखिए वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज द आउटपुट टर्मिनल एट ICDP स्विच। ICDP स्विच में हम लोग, ठीक है, उसका जो टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल, उसको क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, मतलब उसको अदल बदल देंगे। क्वेश्चन 17 देखिए, व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ द अर्थ पाइप इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि अर्थ का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस, ठीक है, वैल्यू ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस को क्या होगा अगर आप पाइप अर्थ जो होता है, अर्थ पाइप जो होता है उसका लेंथ को आप बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका पाइप है जो कि आप पिट के अंदर जो डालते हैं, ठीक है, अर्थ पाइप, अगर इसकी लंबाई को हम बढ़ा देंगे, ऐसी स्थिति में अर्थ रेजिस्टेंस को क्या प्रभाव पड़ेगा, तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, अर्थ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रीजन ऑफ लैंप ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट। कहता है कि व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है, क्या कारण है कि जो लैंप जो है, जो भी आपका लैंप मतलब जो बल्ब है वो ग्लो डिम करता है, मतलब कि धीमा जलता है, एंड मोटर रनिंग स्लो, और जो मोटर जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे घूमता है, किसमें, डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट में, आपके घरेलू में, घर में, ऐसा क्यों होता है भाई, तो इसके पीछे रीजन क्या है, हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट। इसमें क्या हो चुका है,
जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा हो चुका है, जो कि फॉल्ट है एक प्रकार का, ठीक है। तो हाई वैल्यू सीरीज रेजिस्टेंस फॉल्ट के कारण। ऑल राइट साथियों, आज के लिए इतना ही। हमने यहाँ पे जो है लगभग मान के रखिए कि कम से कम यहाँ एक तरह से देखा जाए तो 46, 26 और 18 इतने लगभग क्वेश्चंस आप लोगों को कराए गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस के आसपास इस वीडियो में आप लोग को हमने इस पूरे चैप्टर से कराया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। अब अगला चैप्टर का जो है आप लोग को पार्ट मिल जाएगा। आप लोग जो है अपना प्यार दिखाइएगा और वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप्स वगैरह सब में। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डीसी जनरेटर का जो है पार्ट देखेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ और जुड़ना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर करके आगे के अपडेट्स पाने के लिए, सीआईटीएस की जितनी जुड़ी अपडेट्स होती है, आईटीआई जुड़ी अपडेट्स जितनी भी होती है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।